वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी बच्चों लोग को स्कूल भेजूंगी, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सेवई। दोनों मुंडी घुसा है। ऋषि जी, ऋषि जी। देखिए कॉम्प्लेन बनाए हम लोग कॉम्प्लेन। चले जब भी किसी में चीनी डालो इसको चीनी खाना है। तो गाइस इधर सवेर रेडी हो चुका है, तो चलिए दोनों का टिफिन पैक कर देते हैं। पुछ का देखिए देखिए बदमाश का बदमाशी। तो दोस्तों अभी बच्चे लोग को स्कूल भेजकर मैं अभी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूं और अभी मैं पानी ले रही हूं क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करना है। तो ये सब मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूं, तो चलिए आज दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत दिखाना जरूरी है, नहीं तो फिर आप सबको मतलब आप सब कैसे समझ पाएंगे कि मेरा कितना ज्यादा घर में काम होता है फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ ब्लॉग बनाती हूँ। तो चलिए देखिए अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आप सबको सारा कुछ ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और ये जो आप झाड़ू देखे ये सब झाड़ू है जो कि तुलसी मंच के ऊपर रखा हुआ था, कल ही हस्बैंड जी ने काटे हैं। हमारे घर का ही है झाड़ू का पेड़ जो कि मैंने आप सबको एक ब्लॉग में कुछ ही दिन पहले दिखाया था। तो इन सबको फिर धूप में सुखाना पड़ता है, तो अभी सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर छत जाएंगे सबको धूप में रख देंगे ताकि वो सूख जाए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग उसे झाड़ू बनाते हैं। और ऐसे ही घर के लिए ही बनाते हैं क्योंकि ज्यादा होता नहीं है, तो बेचेंगे किस लिए, घर में ही काम आता है। तो देख सकते हैं इधर दूध भी देकर चले गए हैं, तो चलिए इसको छान के रख लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हम नीचे पूजा करके आ गए, नीचे मतलब कि आंगन में भी एक तुलसी का पौधा है और छत पे एक लगा दिए हैं, इसलिए क्योंकि आंगन का जो पौधा है वो सूख जाता है क्योंकि उसमें धूप भी नहीं लगता है तो उतना अच्छा मतलब हरा भरा नहीं रहता है, तो एक छत पे लगा दिए, छत में बहुत अच्छे से धूप आता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो इधर पूजा वगैरह सारा कुछ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो चलिए झाड़ू सबको भी ले आते हैं, एक ही बार में धूप में दे देंगे नहीं तो फिर कितना बार आना पड़ेगा। और अभी तक हम नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो ये देख सकते हैं इतने सारे झाड़ू हुए हैं जितने में मतलब कि हमारे घर में हो जाता है। तो इधर मैंने कपड़े सारे सुखाने के लिए दे दिए, उधर झाड़ू भी रख दिए, अब चलिए चलते हैं नीचे, अब करेंगे नाश्ता क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत कर दिए तो भूख तो लगेगी ही। तो चलिए सबसे पहले हम खा लेते हैं। तो आज के नाश्ते में क्या है देख सकते हैं, इधर चाय है, गोभी आलू की सब्जी, पकोड़े, सेवई। तो दोस्तों अभी नाश्ता वगैरह हो गया कंप्लीट, उधर देख सकते हैं मैंने चूल्हे पर भात चढ़ा दिया है और अभी मैं बनाने वाली हूँ मतलब काटने वाली हूँ सब्जी। तो इधर देख सकते हैं आज बनेगा बिलाती पोस्तू और ये छोटा सा क्यूट सा बंदा गोभी की सब्जी। और माँ गई है बाड़ी साग लाने, तो साग भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग पर।
ये सब्जी मैंने खरीदा है और साथ हम लोगों के तो दोस्तों जितना स्पीड से वीडियो में दिखाया जा रहा है हम मसाला पीस रहे हैं, तो सोच कर देखिए अगर इतना स्पीड से हम सच में काम करने पाते कर पाते तो हम जैसे हाउसवाइफ का कितना सारा टाइम बच जाता ना, और हम फिर दूसरा काम भी कर पाते। तो बिलाती पोस्तू बनाने के लिए हम पोस्तू तो पीस लिए सिलबट्टे में, और इधर सब्जी वगैरह सारा कुछ काट के रखे हैं, भात भी लगभग हो ही चुका है और इधर दाल भी रेडी है। तो दोस्तों मेरा लंच हो गया है कंप्लीट, देख सकते हैं इधर सारा कुछ रेडी है, बस ये साग हो जाए उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और इधर मिष्टी भी आ गई है, इसका आज टेस्ट था 10 में से 9 लाई। कौन सब्जेक्ट? तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मतलब कि बर्तन वगैरह धोने के बाद रेस्ट किए, उसके बाद अभी जा रहे हैं छत। अभी 5 बज गए हैं तो छत से कपड़े लाने जा रही हूँ, और चलिए दिखाते हैं आप सबको कि कौन से जगह में बोरिंग हो रहा है, मतलब कि बोरिंग गाड़ी कहाँ पर है। देख सकते हैं इधर है, पानी भी देना है पौधों पर। चलिए एक बाल्टी लेकर आते हैं। Like you're in a thriller, heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back to. You don't know where I've been, what's going on inside, where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. Don't you love me? कंप्लीट, आप कपड़े उठा लेते हैं। तो दोस्तों किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेर सूखने के लिए दिया है, इसका मैं अचार बनाऊंगी और इसका भी मैं अचार बनाऊंगी। दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा मैंने आज धोया था, तो सारा उठा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।